किया कि साध्वी प्राची खुद आतंकवाद की मशीन है और उनके ही द्वारा आतंकवाद पैदा होता है, वो ऐसी मशीन है। और उन्होंने जो आजमगढ़ के विषय में कहा कि आजमगढ़ आतंकवाद की शरणस्थली है, वो बिल्कुल गलत है। आजमगढ़ यहाँ ऋषि मुनियों की धरती रही है, यहाँ से विद्वान और ऋषि मुनि हमेशा पैदा होते रहे हैं, इसलिए ये कहना उनका पूरी तरह से गलत है। कुल मिलाकर हम जानना चाहेंगे कि माता प्रसाद पांडे को ये पलटवार करने की और ये बयान देने की जरूरत क्या आन पड़ी? जी बता दें कि आजमगढ़ में प्राची ने बयान दिया था और उन्होंने आजमगढ़ को सीधे तौर पर शरणस्थली बताया था, आतंकवाद की शरणस्थली बताया था। आज आजमगढ़ में पहुंचे हैं माता प्रसाद पांडे, तो उन्होंने इस प्राची के आरोप का उन्होंने जवाब दिया है कि इस तरह से आजमगढ़ को बदनाम करना ठीक नहीं है। आजमगढ़ ऋषि मुनियों की धरती गई है और जो आजमगढ़ को शरणस्थली बताया गया है वो कहना गलत है। इसलिए उन्होंने कहा कि साध्वी प्राची खुद आतंकवाद की मशीन है। लेकिन जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे तो यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और साध्वी प्राची जिन्होंने जो भी अपने बयान दिए थे आजमगढ़ को लेकर, इस तरीके से निशाना साधना कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। जी ये बात तो आ रही है कि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको पूरी तरह से एक तरह से बयान नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बयान बिल्कुल आजमगढ़ पर आरोप जो लगाया गया है उस परिप्रेक्ष्य में दिया है। बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि आजमगढ़ की विशेषता है, आजमगढ़ में अच्छे लोग पैदा हों और इस तरह से प्रदेश में जो उन्होंने कहा कि पूरे आजमगढ़ से ही आतंकवाद शुरू हुआ और पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल चुका, तो ये प्राची का बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए गलत है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने ये बयान दिया। चलिए कुल मिलाकर अब विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, 2017 आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब माता प्रसाद पांडे अपना भविष्य जो है उसे और मजबूत करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने शायद आजमगढ़ में ये बयानबाजी की है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ बने रहने के लिए।